हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे कार मॉडिफाइड चैनल पर। आज हमने न्यू वैगनार कार में फोग लैम्प किए इंस्टॉल। जो अपनी हमने फोग लैम्प मंगाई है मारुति शोरूम से, जो अपनी पूरी वायरिंग की किट के साथ इंस्टॉल की है हमने एकदम प्रॉपर फिटिंग के साथ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है फ्रेंड्स अपनी फोग लैम्प। जो अपनी फोग लैम्प है मिंडा की और निजल ब्रांड, जो हमने मारुति शोरूम से मंगाई है। इसकी वायरिंग जो हमने की है वह यहाँ के की है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स इसकी रिले है, फोग लैम्प रिले। और बाकी आप वायरिंग देख रहे हो। ये अपना फ्रेंड्स फ्यूज है। अगर कहीं पे कोई शॉर्टिंग शार्टिंग होगी, मतलब कहीं पे कोई इशू आएगा, तो सबसे पहले फ्यूज उड़ेगा। जो आपका ये तार है ये लगेगा बैटरी पे प्लस में। देखिए फ्रेंड्स, जो ये तार होगा ये वाइट होगा। और बाकी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो अपना अर्थिंग में लगेगा ग्राउंड में, वह अपना तार होगा ब्लैक। हमने ये ऑलरेडी ही लगा दिया है अर्थिंग में। आपको एक तार और मिलेगा वाइट कलर का, ये तार अपना, इसमें आपको ये तार लगा देना है सिंगल वाला। बाकी अपना यहाँ से तो हो गया है। ये अपने बाकी जो फोग लैम्प कवर हैं, बाकी वायरिंग कुछ मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, जो हमने अंदर से लगाई है। जैसा कि आपने एक सिंगल तार लगाया था वहाँ से बाहर से, ऐसा ही तार आपको एक अंदर मिलेगा। उसमें आपको ऐसी ही क्लिप लगा देनी, सेम ऐसी ही क्लिप होंगी। जैसे बाहर क्लिप थी दो, ऐसी क्लिप इसमें होंगी। तो इसमें से क्लिप और टच कर देना है। फिर आपका यहाँ से तो हो गया ओके एकदम। और फिर आपका एक बटन होगी जो फोग लैम्प साथ ही आती है ऑलरेडी। मैं इसको लगा देता हूँ। जो फ्रेंड्स आपकी अंदर की वायरिंग होगी, वह वायरिंग में आपके तीन सॉकेट होंगे, एक वीमेल, एक फीमेल और फिर एक आपका फीमेल। उसमें तीन सॉकेट होंगे, वीमेल, फीमेल, फीमेल, तीन सॉकेट होंगे। जो अपना जो फीमेल है वह इसमें लग जाएगा, जो पुश पुल बटन है इसमें। और फिर बाकी आपका वह तो आप लगा ही लोगे, वैसे तो अंदर उसमें ऑप्शन है, बहुत ही आसानी से कर लोगे वह तो आप। फिर एकदम ओके काम हो जाएगा आपका, कहीं पे कोई इशू नहीं आएगा। अगर कोई इशू कहीं पे आए, फिर दोबारा आप वायरिंग भी चेक कर सकते हो। कहीं पे आपने या कोई अर्थिंग छोड़ दी हो या कुछ और सॉकेट वगैरह छोड़ दिया हो, तो उसको दोबारा चेक कर लें, वैसे कोई इशू आएगा नहीं। बाकी अपनी वायरिंग ये है जो अपने अंदर से लगेगी, इतनी हार्ड भी नहीं, बहुत ही आसान है। फोग लैम्प हो गई आपकी इंस्टॉल एकदम प्रॉपर, कहीं पे कोई इशू नहीं है, बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है।